रजत ने किया सवी को टॉन्ट। सवी के सामने रजत ने किया अपने पास्ट को याद। स्टापिस का शो घूमे किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड में हम सभी देखेंगे कि सवी के एडॉप्शन पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया है और ये कहा गया है कि वो कभी एक अच्छी माँ नहीं बन सकती है और साथ ही वो अनमैरिड है तो अडॉप्शन प्रोसेस उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। रजत ये सारी बातें सुन लेता है और सवी के सामने आता है। रजत सवी से कहता है कि बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है जब कोई अनजान इंसान तुम्हें ये कह रहा है कि तुम एक अच्छी पेरेंट नहीं बन सकती हो और ये इंसान तुम्हारे पेरेंटिंग के ऊपर सवाल उठा रहा है। सवी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। सवी गुस्से में रजत से कहती है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ और हम दोनों के केस में बहुत ज्यादा फर्क है। इसके बाद रजत सवी के साथ आकर बैठ जाता है। वो ड्रिंक करने लगता है और अपने पास्ट को याद करता है। पास्ट को याद करते हुए रजत इमोशनल हो जाता है। वो याद करता है कि किस तरीके से हर्ष उसे टॉन्ट किया करता था। वहीं दूसरी तरफ आशिका और हर्ष के बीच में भी आर्ग्यूमेंट हो रही है क्योंकि हर्ष सई को हॉस्टल भेजना चाहता है। हर्ष का मोटिव सिर्फ यही है कि वो सई और रजत को एक दूसरे से दूर कर दे। अब आशिका यहाँ पर कहती है कि तुम सई को रखना ही नहीं चाहते थे तो ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी। इस पूरे सिचुएशन को देखा जाए तो यहाँ पर सवी और रजत एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। देखना ये इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर कब ये दोनों अपने ईगो को भूलकर एक दूसरे की मदद करेंगे। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।